वाह, बहुत ही गजब का दृश्य। अब हम जो है वो गुरु शिखर अचलगढ़ साइड से वापस जा रहे थे, तो वापस आ रहे हो जा रहे हो, रास्ते में पीस पार्क आता है। पीस पार्क के अंदर फोटो वीडियोग्राफी बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। वहाँ पर कुछ देर का सूर्य सूर्य ध्यान कुछ वहाँ पर बता रहे थे आत्मा और जीवात्मा के बारे में, वो सबने सुना। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है ब्रह्म कुमारी का, तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर इस पार्क के अंदर एक चारों ओर चक्कर लगाया, घूमे, फिर आगे बढ़े। पीस पार्क के बाद में वापस हम आबू पर्वत की दिशा में जा रहे हैं, और इस सड़क से राइट दिशा में आप जो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की साइड में एक पानी की लेक है, जिसको बोलते हैं मिनी नक्की लेक। इस झील के अंदर काफ़ी पानी है और ये शांत और एकांत जगह है, शायद यहाँ पर जंगली जीव भी पानी पीने के लिए आते होंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आकर के, कई सारे पर्यटक भी आ रहे थे। उसके बाद में हम जा रहे हैं, ये देखिए अभी अर्बुदा देवी या अधर देवी के मंदिर के ऊपर। यह मंदिर जो आबू पर्वत शहर के पास में ही बना हुआ है, शहर से आप सीधे यहाँ पर जा सकते हैं, और ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर खूब सारे रास्ते में घंटियाँ भी लगी हुई है, बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए अधर देवी जी के मंदिर पर आते हैं। यहाँ पर जो हनीमून मनाने के लिए पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, और ये जो टॉप 10 पैलेस है आबू पर्वत के, उनमें से एक स्थान है। खूब सारे मंदिर के ऊपर बंदर भी है। अर्बुदा देवी जी या फिर अधर देवी, एक ही बात है, दोनों नाम इसी मंदिर के हैं। और यहाँ एक गुफा के अंदर मंदिर है, और ये रास्ता गुफा की तरफ ही जा रहा है, लेकिन आप ये सामने देख रहे हैं इस जगह पर हमें मोबाइल कैमरा सब बाहर ही जमा करवाना होगा, और गुफा के अंदर दर्शन करके वापस आएंगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पत्थर के नीचे एकदम झुक करके जाना होगा, आप खड़े होकर के भी नहीं जा सकते, एकदम बैठ करके फिर जाना होगा इस मंदिर के अंदर। तो बहुत ही गजब का, और बाहर की साइड में व्यू पॉइंट बना हुआ है जो आगे देख रहे हैं पीछे की साइड में, ये आबू पर्वत शहर है, शहर के पास में ही है मंदिर, ज़्यादा दूरी पर नहीं है और ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है मंदिर। बहुत ही अच्छा और शांति प्रदान करने वाली जगह है। उसके बाद में हम मंदिर से वापस आ गए, और ये गाड़ी जो हमने पार्किंग नहीं है, अर्बुदा देवी की तरफ थोड़ी सी रोड जाती है उसके ऊपर हमने यहाँ पर खड़ी की है। आप भी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, स्पेशल पार्किंग यहाँ कोई नहीं बनी हुई थी।